हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे एक्सक्लूसिवली देते हैं हम आपको टीवी वर्ल्ड की टॉप 5 अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं टीवी अपडेट्स का सिलसिला और आपको बताते हैं कि पहली खबर क्या है। पहली खबर आई है फ्रॉम द सेट उडारिया, जो कि कलर्स टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है। इस शो में आपने रोहित पुरोहित को एक खास रोल प्ले करते देखा होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब रोहित के चाहने वालों को उनकी झलक देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्द वो कलर्स के उडारिया से कर रही हैं अलविदा और वो शो छोड़ने का मन बना चुके हैं। तो वहीं टॉप 5 में जो अगली खबर है वो है इंडियन आइडल 3 की। इंडियन आइडल 3 के विनर की हो चुकी है अनाउंसमेंट। अगर आपसे ये अपडेट हो गई थी मिस, तो चलिए आपको बताते हैं कौन रहा विनर, कौन रहा सेकेंड और कौन रहा थर्ड। यहाँ पर बात की जाए इंडियन आइडल के थर्ड रनर अप की, तो फर्स्ट रनर अप के तौर पर देबोश्मिता रॉय को जगह मिली है, तो इंडियन आइडल के सेकंड रनर अप के तौर पर चिराग कोतवाल को सबने सराहा। तो वहीं विनर की बात की जाए तो इंडियन आइडल 13 के विनर रहे ऋषि सिंह, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थे पब्लिक के बीच। अयोध्या के ऋषि सिंह ने सबके दिल में परमानेंट जगह बनाने के साथ ट्रॉफी भी अपने नाम की। अगली खबर जो है टॉप 5 में वो है टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। तो यहाँ पर नजर आ रहा है सई का ब्राइडल अवतार, जो कि होने वाला है काफी ज्यादा शॉकिंग हमारे हैंडसम सम्राट विराट के लिए। दरअसल शो में सई शादी के मंडप में दुल्हन बनी तो आए के नजर, लेकिन यहाँ पर दूल्हा विराट नहीं बल्कि होने वाला है सत्या। जी हाँ, सत्या के साथ सई शादी करने वाली है, जिसे सुनकर के जिसे देखकर के विराट को लगने वाला है 440 वोल्ट का जोरदार झटका। वहीं टॉप 5 की इस खूबसूरत लिस्ट में चौथी खबर है ससुराल सिमर के 2 फैंस के लिए। अगर आप भी हैं इनके डायहार्ड फैन तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि अब आपका फेवरेट शो होने वाला है टीवी स्क्रीन से गायब। दरअसल शो के ऑफेयर होने की डेट हो चुकी है कंफर्म, और रिसेंटली आ रही खबरों की माने तो 7 अप्रैल को ससुराल सिमर का सीजन 2 हो जाएगा ऑफेयर, जिसके बाद फैंस को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा अपनी फेवरेट जोड़ी को किसी और शो में देखने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं टॉप 5 में आखिरी 5वीं खबर की, तो वो है टीवी सीरियल दुर्गा और चारू की। दरअसल बहुत जल्दी ही ये शो शुरू हुआ, लोगों को लग रहा था कि ये शो अपने स्केल पर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अफसोस ये शो पुअर रिस्पॉन्ड की वजह से ऑफ एयर किया जा रहा है, और जो लोग इसको पसंद करते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बुरी खबर हो सकती है। लेकिन अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि इस शो की जगह कौन सा नया शो जगह लेता है और वो लोगों के दिल में कितनी जगह बना पाता है। फिलहाल तो ऐसे मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।